हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूंग की दाल की बड़ी बनाने की रेसिपी। कई बार घर में कोई सब्जी मौजूद नहीं होती है, ऐसे में आप फटाफट मूंग की दाल की बड़ी की सब्जी बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं मूंग की दाल की बड़ी। मूंग की दाल की बड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मूंग की दाल। ये बिना छिलके वाली दाल है, आप छिलके वाली दाल भी ले सकते हैं बड़ी बनाने के लिए। मूंग की दाल को 2 घंटे पहले पानी में भिगो के रख देंगे। 2 घंटे में मूंग की दाल अच्छे से भीग जाती है। भीगने के बाद मूंग की दाल को 2 बार पानी में धो लेंगे। धोने के बाद हमें मूंग की दाल को बारीक पीस लेना है। आप चने की दाल के भी बड़ी बना सकते हैं, उड़द की दाल की भी बड़ी बना सकते हैं। ये देखिए दाल यहाँ पर हमारी पीस चुकी है। अब इसे हमें फैटना है। जिस तरीके से हम दही बड़े के लिए जो बड़े बनाते हैं उस दाल को फैटते हैं, इसी तरीके से हमें ये बड़ी बनाने के लिए भी दाल को फैट लेना है। मसाले हम दाल को फैटने के बाद ही मिलाएंगे। ये देखिए दाल अच्छे से फट चुकी है यहाँ पर। अब इसमें हम मसाले मिला लेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल रही हूँ, लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ और थोड़ी सी हींग। आप इसमें और भी मसाले मिक्स कर सकते हैं, जैसे धनिया पाउडर है, हल्की सी आप हल्दी भी डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए अब इसे हमें करना क्या है, एक हमें प्लास्टिक की पन्नी ले लेनी है, उसकी केक बना लेंगे और इस बैटर को उस केक में भर लेंगे। आप कोई प्लास्टिक की बोतल भी ले सकते हैं, उसके ढक्कन पे छेद कर सकते हैं, उसकी सहायता से भी आप बड़ी बना सकते हैं या फिर हाथ की सहायता से भी आप बड़ी बना सकते हैं। ये देखिए इस वाली केक के जो ये नीचे वाला कॉर्न है, इसको हम कैंची की सहायता से काट देंगे। जितनी बड़ी बड़ी बनानी है आपको, उतना ही हम इसमें छेद कर लेंगे, यानी कि नीचे की तरफ। ये देखिए आप बड़े भी बड़ी बना सकते हैं, लेकिन जो छोटी वाली बड़ी होती है वो जल्दी सूखती हैं, तो उनकी जो सब्जी होती है वो ऐसी ही बनाई जा सकती है। उन्हें हमें सब्जी बनाते वक्त तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम अगर बड़ी बड़ी बढ़िया बनाएंगे तो उन्हें हमें सब्जी बनाते वक्त तोड़ना होता है। तो हम छोटी ही बनाएंगे ताकि ऐसे ही सब्जी को बनाया जा सके। ये देखिए गर्मी में कई बार सब्जी समझ में नहीं आती है कि क्या बनाएं, बार बार सेम सी सब्जी खा के बोर हो जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने स्वाद को बदलने के लिए पौष्टिकता से भरपूर मूंग की दाल की मंगौड़ी की सब्जी बना सकते हैं। और सब्जी बनाने के लिए आपको ये मंगौड़ियाँ बनानी पड़ेंगी, यानी कि बड़ी बनानी पड़ेंगी। मेरे सारे यहाँ पर बड़ी बन चुकी हैं और इन्हें अब हम कम से कम 2 दिन धूप में सुखा लेंगे। सुखाने के बाद आप इसे साल भर या साल भर से ज़्यादा के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और इसकी आप सब्जी बना सकते हैं। इस सब्जी को आप चावल या फिर रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए हमारी बड़ी बन गई है। हमें सब्जी बनाते वक्त इन बड़ियों को तोड़ना नहीं है, ऐसे ही आलू डाल के हम ये सब्जी बना लेंगे बड़ी की। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।